देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए अब भारत आगामी कुछ महीनों तक कोविड-19 टीकों के निर्यात को विस्तार नहीं देगा। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार और तेज 53,476 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 251 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली की स्थिति चिंताजनक हुई। कोरोना के 1,254 नए मामले 24 घंटों में। पिछले साल यूपी के आगरा में कोरोना सबसे तेज असर हुआ था और अब एक बार फिर आगरा में तेजी से संक्रमण पैर पसार रहा। लखनऊ में कोरोना हेल्पलाइन के 12 कर्मचारी वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के 14 दिन बाद संक्रमित पाए गए। विशेषज्ञों का मानना है यदि कोरोना रफ्तार नहीं कम हुई तो भारत अमेरिका और ब्राजील को कुछ ही दिनों में पीछे छोड़ देगा। भारत ने पहली बार दक्षिणी अमेरिका के देश गुयाना से कच्चा तेल खरीदा है। 8 अप्रैल को इसकी पहली खेप भारत आएगी। यूपी के आगरा खंडौली में पुलिस दरोगा प्रशांत की गोली मारकर हत्या कर दी गई। निरंतर अनुपस्थित रहने और सेवा योग्य न मिलने की वजह से लखनऊ विकास प्राधिकरण के 8 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बाल बालाओं के साथ प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा डांस करने व रिवाल्वर से फायरिंग करने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि 20 से अधिक देशों में 30 मिलियन से अधिक लोग तीव्र भूख के कारण मरने से महज एक कदम दूर हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव बीएल मीना को उप्रशिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का प्रशासक बनाए जाने के फैसले को वापस लिया। 20 अप्रैल को चुनाव। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपने विरुद्ध लगे वसूली के आरोप की जांच कराने की मांग की। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।